मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। वेलकम टू SST क्लास। स्टूडेंट्स, हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के पांचवें पाठ, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, खालसा का सृजन तथा उनका व्यक्तित्व का आज हम पांचवां पाठ करने जा रहे हैं, जो कि ई बुक के पेज नंबर 58, 61, 62 और 63 पर है। आइए हम अपना पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज का टॉपिक है गुरु गोविंद सिंह जी की राजनीतिक तथा धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ लड़ाइयाँ, बैटल्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टायरनी। गुरु गोविंद सिंह जी प्रभु का नाम स्मरण करने वाले एक संत तथा एक महान सिपाही भी थे। उनकी आध्यात्मिक तथा राजनीतिक गतिविधियां ना तो पहाड़ी राजाओं से सहन हुई तथा ना ही उस समय की सरकार से। शासक निर्बलों पर जुल्म करके उनको लड़ने के लिए मजबूर करते थे, इसलिए गुरुजी को विरोधियों से कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कुछ लड़ाइयाँ वे हैं जो खालसा की स्थापना से पहले लड़ी गईं, उनको हम पूर्व खालसा की लड़ाइयाँ कहते हैं। जो लड़ाइयाँ खालसा के सृजन के बाद लड़ी गई, उनको हम उत्तर खालसा काल की लड़ाइयाँ कहते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी एक संत थे, पर साथ साथ में उनको एक सिपाही का रोल भी प्ले करना पड़ा। वो इसलिए कि उस समय के शासक जो थे वो अपनी जनता पर बहुत जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, और उन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए गुरुजी को एक सिपाही का रूप धारण करना पड़ा। गुरुजी को अपने जीवन काल में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। जो तो लड़ाइयाँ उन्होंने खालसा की स्थापना से पहले लड़ी, उनको हम पूर्व खालसा की लड़ाइयाँ कहते हैं, और जो लड़ाइयाँ उन्होंने खालसा के स्थापना के बाद लड़ी, उनको हम उत्तर खालसा काल की लड़ाइयाँ कहते हैं। आइए हम पहले पूर्व खालसा काल की लड़ाइयाँ पढ़ते हैं। पूर्व खालसा काल की लड़ाइयाँ, बैटल्स ऑफ प्री खालसा पीरियड। बिलास सबसे पहली लड़ाई है बिलासपुर के राजा भीमचंद से झगड़ा, कन्फ्लिक्ट विद राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर। कलूर या बिलासपुर का राजा भीमचंद से गुरु गोबिंद सिंह जी की अनबन के कई कारण थे। एक तो गुरु जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर भीमचंद मूर्ति पूजक था। दूसरे, गुरु जी ने सेना का संगठन करना शुरू कर दिया था। इन गतिविधियों को भीमचंद अपने राज्य के लिए खतरा समझता था। तीसरा, गुरुजी ने राजसी चिन्ह धारण कर लिए थे। इस पर भीमचंद को खतरा हो गया कि उसके पड़ोस में एक नया राज्य स्थापित होना शुरू हो गया है। चौथा, भीमचंद ने गुरुजी से वार्षिक कर मांगा, जिसे गुरुजी ने अस्वीकार कर दिया। पांचवा, एक बार भीमचंद माखोवाल, जो कि आनंदपुर साहब में है, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसका शानदार स्वागत किया, पर वह गुरुजी का प्रसादी हाथी, आसाम के राजा रतन चंद जी की तरफ से दी गई भेंट तथा शानदार तंबू काबुल के दुनीचंद की भेंट देखकर जल गया। कुछ समय पश्चात भीमचंद ने अपने पुत्र की सगाई पर गुरुजी से प्रसादी हाथी तथा दुनी चंद वाला तंबू मांगा। गुरुजी ने भीमचंद की नियत भांप कर ना कर दी। परिणाम स्वरूप भीमचंद ने आनंदपुर साहब पर आक्रमण कर दिया, पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बच्चों, पूर्व खालसा काल में सबसे पहली लड़ाई जो थी वो बिलासपुर के राजा भीमचंद से थी। भीमचंद के
गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ना बनने के कई कारण थे। वह मूर्ति पूजक था, यानी कि वो मूर्ति पूजा करता था, पर गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। गुरु जी ने दबी कुचले लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए एक सेना का संगठन शुरू कर दिया था, ताकि जुल्मी लोगों के साथ, अत्याचारी लोगों के साथ मुकाबला किया जा सके। इस बात को भीमचंद जो था वो अपने लिए खतरा समझता था। वो समझता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक नया राज्य स्थापित कर लिया है, जिस वजह से वह उनको अपने लिए खतरा मानता था। भीमचंद ने गुरु जी से वार्षिक कर भी मांगा था। वार्षिक कर यानी के सालाना जो था टैक्स मांगा था, जो गुरु जी ने देने से इनकार कर दिया। और पांचवा जो कारण था वो ये था कि गुरु जी के पास एक हाथी था, जो कि उनको असम के राजा रतन चंद ने भेंट किया था, और एक शानदार तंबू था जो काबुल के दुनी चंद ने उन्हें भेंट किया था। ये सब जो चीज़ें थी वो भीमचंद गुरु जी के पास देकर जल गया था। वह अब उनको हासिल करना चाहता था, इसलिए जब उसके पुत्र की सगाई थी, तब उसने गुरु जी से ये दोनों चीज़ें मांगी। गुरु जी जो थे वो भीमचंद की मंशा जानते थे, उसकी नियत भाप गए थे, वो जानते थे कि वो ये सब चीज़ें क्यों मांग रहा है, इसलिए गुरु जी ने उसे इनकार कर दिया, जिस वजह से भीमचंद ने आनंदपुर साहब पर आक्रमण कर दिया और जिसमें उसकी हार हुई। नेक्स्ट जो है वो है बंगाणी का युद्ध, जो कि 1688 ईस्वी में लड़ा गया। बंगाणी का युद्ध 1688 ईस्वी में, बैटल ऑफ बंगाणी 1688 AD। कलहूर या बिलासपुर के राजा भीमसेन से झगड़ा होने के कारण गुरु गोबिंद राय जी पौंटा साहब चले गए थे। वास्तव में वह किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए पौंटा साहब में रुककर उन्होंने अपनी तथा अपने 52 कवियों की साहित्यिक गतिविधियों को उत्साहित किया। वह साथ ही साथ सैनिक तैयारियां भी करते रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी समय पहाड़ी राजाओं का सामना करना पड़ सकता था। 1688 ईस्वी में उन्हें बंगाणी की लड़ाई लड़नी पड़ी। कारण, गुरुजी बंगाणी की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, पर पहाड़ी राजाओं ने उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राजा भीमचंद के पुत्र अजमेर चंद का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह की पुत्री से हो रहा था। गुरु गोबिंद सिंह जी के राजा फतेह शाह से अच्छे संबंध थे। गुरुजी ने उसकी पुत्री के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे, जो भीमचंद के कहने पर फतेह शाह ने वापस कर दिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भीमचंद गुरुजी से बड़ी ईर्ष्या करता था तथा लड़ाई करने का बहाना ढूंढता रहता था। जब उसकी पुत्र की बारात गढ़वाल जा रही थी तो पौंटा साहब में उनका सिखों से एक झगड़ा हो गया। राजा भीमचंद ने बाकी राजाओं से मिलकर गुरुजी के समय साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण जो था वो ये था, गुरु गोबिंद राय जी की सैनिक गतिविधियों को पहाड़ी राजा अपने लिए खतरा समझते थे। सेकंड, गुरु जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पर पहाड़ी राजा मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तीसरा, गुरु जी ने मुगल सेना में से निकाले 500 पठानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। पहाड़ी राजा मुगल सरकार के वफादार थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी की इस कार्यवाही को ठीक ना समझा। आसपास के मुगल फौजदारों ने पहाड़ी राजाओं को गुरु जी के खिलाफ उकसा दिया था। गुरु जी के साथ भीमचंद की पुरानी शत्रुता थी। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ये था कि भीमचंद के पुत्र की बारात जो गढ़वाल जा रही थी को सिखों ने पौंटा साहब से गुजरने ना दिया। परिणाम स्वरूप पहाड़ी राजाओं ने गुरु जी से युद्ध करने का मन बना लिया। दूसरा जो युद्ध था
वो बंगानी का युद्ध था जो कि कैलूर के राजा कैलूर या भीम बिलासपुर के राजा भीमसेन से हुआ था। राजा भीमचंद गुरुजी से झगड़ा करने के कारण ढूंढता रहता था, इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर छोड़ के पांवटा साहब चले गए। वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने 52 कवियों के साथ मिलकर जो था वो अपनी बाणियाँ लिखनी शुरू कर दी, उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी तथा साथ साथ में वह सैनिक तैयारियां भी करते रहे, क्योंकि उनको पता था कि भी पहाड़ी राजाओं से उन्हें कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि पहाड़ी राजा उनको पसंद नहीं करते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए इस युद्ध के बहुत से कारण थे, उनमें से एक कारण था कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सैनिक गतिविधियों को पहाड़ी राजा जो था अपने लिए खतरा समझते थे। वह मूर्ति पूजक थे और गुरु गोबिंद जी सिंह जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सेना से निकाले गए 500 पठानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था, पर क्योंकि पहाड़ी राजा मुगल सरकार के वफादार थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी की जब उन्होंने उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया तो वो इसको मुगल की सेना के खिलाफ समझते थे, इसलिए उनके वो भी गुरुजी के खिलाफ हो गए। आसपास के जो राजा थे वो गुरुजी के खिलाफ उसको उकसा रहे थे, भीमचंद को उकसा रहे थे कि गुरुजी की जो शक्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये शक्ति हमारे लिए खतरा है, इसलिए आपको गुरुजी को यहीं पे रोकना चाहिए। वैसे भी भीमचंद की गुरु गोबिंद सिंह जी से पुरानी शत्रुता थी और इस शत्रुता में सबसे बड़ा कारण जो बना वो था भीमचंद के पुत्र के जो था वो गढ़वाल की बारात जानी थी और वो बारात जो थी पांवटा साहब से निकल कर जानी थी, पर गुरुजी के सिखों ने भीमचंद से जो थे भीमचंद के बेटे की बारात जो थी वहाँ से निकलने नहीं दी, तो ये सबसे बड़ा कारण बना और इसलिए जो था वो बंगानी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है घटनाएं। गुरु गोबिंद राय जी ने पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के लिए बंगानी नामक स्थान चुना। युद्ध शुरू होते ही गुरुजी की सेना के सडौरा के पीर बुद्धुशाह द्वारा भेजे गए लगभग 500 पठान उनका साथ छोड़ गए थे, पर गुरुजी ने अपने थोड़े साथियों से भी युद्ध जारी रखा। उस समय सडोरे का पीर बुद्धुशाह अपने 4 पुत्रों तथा 700 अनुयायियों के साथ गुरुजी से आ मिला। 22 सितंबर 1688 ईस्वी को 9 घंटे तक युद्ध चला। गुरुजी ने समय सामने होकर अपनी बहादुरी के कर्तव्य दिखाए, इससे सिखों का साहस बढ़ा। परिणाम स्वरूप पहाड़ी राजाओं को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा, वे परास्त होकर भाग गए। अंत में गुरुजी को शानदार विजय प्राप्त हुई। बेटा जी, बंगानी का युद्ध लड़ने के लिए जो था बंगानी नामक स्थान जो था वो चुना गया, जिसमें जो था सडौरा के पीर बुद्धुशाह द्वारा भेजे गए 500 पठान जो थे वो गुरुजी के साथ छोड़कर चले गए थे, पर फिर भी गुरुजी ने अपने थोड़े से साथियों के साथ और पीर बुद्धुशाह के 4 पुत्रों और 700 अनुयायियों के साथ पहाड़ी राजाओं का मुकाबला किया और ये युद्ध जो था 22 सितंबर 1688 ईस्वी को लड़ा गया, जो 9 घंटे तक चला और अंत में इसमें जो था पहाड़ी राजाओं की हार हुई, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और गुरुजी ने इस युद्ध में बहुत सा साहस दिखाया, बहादुरी के कर्तव्य दिखाए, जिससे जो था उनके सिखों का काफ़ी साहस बढ़ा। बंगानी के युद्ध का महत्व है और वो महत्व क्या है हम पढ़ते हैं। बंगानी की लड़ाई की जीत गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की पहली तथा अत्यंत महत्वपूर्ण जीत थी।
इसका महत्व है, इसके महत्व के पहला पॉइंट है, इस विजय से गुरुजी की शक्ति की धाक जम गई। सेकंड, गुरुजी ने अनुभव किया कि अगर वह अपने अनुयायियों को अच्छी तरह से संगठित कर लें तो वह मुगलों के अत्याचारों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। थर्ड था, पहाड़ी राजाओं विशेषकर राजा भीमचंद ने गुरुजी का विरोध छोड़कर उनसे मित्रतापूर्ण संबंध कायम कर लिए। चौथा, गुरुजी पांवटा साहब छोड़कर फिर से अनंतपुर में जा बसे। पांचवा, गुरु साहब ने भीमचंद की मित्रता का लाभ उठाते हुए अनंतपुर में आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक 4 किलों का निर्माण करवाया। बंगाणी के युद्ध का बड़ा महत्व था। इससे गुरुजी की जो शक्ति थी वो सभी को पता चल गई कि गुरुजी जो थे अपने थोड़े साथियों के भी साथ भी इतने सक्षम हैं कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। इससे गुरुजी को भी एहसास हुआ कि वो अगर थोड़े से अन्यायियों और थोड़े से साथियों के साथ जो था वो मुगल अपनी सेना को संगठित कर लें तो वह मुगलों के अत्याचारों का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी राज्यों का भी अच्छी तरह से मुकाबला किया था। इस लड़ाई के बाद भीमचंद जो था उसने गुरुजी से शत्रुता छोड़ दी और उसने उनसे मित्रता कर ली। इसी वजह से गुरु गोबिंद राय जी जो थे वो पांवटा छोड़कर जो थे फिर से आनंदपुर साहब में आ गए और यहाँ आकर उन्होंने आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक 4 किलों का निर्माण करवाया। हमारा नेक्स्ट युद्ध जो है वो है नंदोन का युद्ध, 1690 ईस्वी, बैटल ऑफ नंदोन 1690 AD। नंदोन की लड़ाई पहाड़ी राजाओं के संग तथा मुगलों के मध्य लड़ी गई। इस लड़ाई में गुरुजी ने पहाड़ी राजाओं का साथ दिया था। इसका एक ही कारण था कि गुरु गोबिंद सिंह जी से मित्रता स्थापित करने के बाद बिलासपुर के राजा भीमचंद तथा अन्य पहाड़ी राजाओं ने मुगल सरकार को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। उन राजाओं ने भीमचंद के नेतृत्व में एक संघ बना लिया। पहाड़ी राजाओं की तरफ से कर ना देने पर जम्मू के मुगल सूबेदार मियां खान ने पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध 1690 ईस्वी में अलिफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस युद्ध में कांगड़ा के राजा कृपाल चंद ने अलिफ खां का साथ दिया। गुरु साहब ने राजा राम सिंह तथा उसके पहाड़ी राजाओं के पक्ष में भाग लिया। कांगड़ा से 32 किलोमीटर दूर ब्यास नदी के तट पर नंदौन नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गुरु साहब तथा उनके साथी सिखों ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया। अलिफ खां हार गया तथा लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। नंदौन की विजय के बाद भीमचंद ने गुरु साहब से पूछे बिना ही अलिफ खां से समझौता कर लिया। गुरु साहब के उसके विश्वासघात से बहुत दुख हुआ। नंदौन का युद्ध जो था वो 1690 ईस्वी में लड़ा गया और ये युद्ध जो था पहाड़ी राजाओं के संग तथा मुगलों के मध्य लड़ा गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, क्योंकि उनके भीमचंद से मित्रता हो गई थी और इस युद्ध में जो था गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो था पहाड़ी राजाओं का साथ दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं को समझाया था कि वे उनके शत्रु नहीं हैं, उनके मित्र हैं। हमारे जो शत्रु हैं वो मुगल हैं और हमें जो है उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसलिए जो था पहाड़ी राजाओं ने एक संघ बना लिया था और उन्होंने इस संघ ने जो था नेता था वो भीमचंद था और उन सब ने मिलकर जो था मुगल सरकार को जो था वो सालाना कर देना बंद कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था। ये जो बात जो थी मुगल सरकार को पसंद नहीं आई तो इसलिए जो था जम्मू का मुगल सूबेदार मियां खान ने जो था पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध जो था 1690 ईस्वी में अलिफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेज दी।
इस युद्ध में कांगड़ा के राजा कृपाल चंद ने अलिफ खां का साथ दिया, दो ग्रुप बन गए, ठीक है। तो जो था तो गुरु साहब ने जो था गुरु जी गुरु गोविंद सिंह जी ने राजा राम सिंह तथा पहाड़े राजाओं के साथ के पक्ष में भाग लिया था। कांगड़ा से 32 किलोमीटर दूर पर ब्यास नदी के तट पर जो था युद्ध लड़ा गया, जिसमें जो था गुरु साहब ने और तथा उनके साथियों ने जो था बहादुरी का प्रमाण दिया, बड़ी बहादुरी से लड़े, तो इसलिए अलिफ खान जो था वो हार गया और वो मैदान छोड़कर भाग गया। पर इसके बाद जो था गुरु गोबिंद सिंह जी ने भीमचंद का इतना साथ दिया था, उसके साथ जो था मित्रता निभाई थी और युद्ध में उसके साथ उसका साथ दिया था, पर जब उसने अलिफ खान से समझौता किया तो इस बात मुताबिक उसने गुरु गोबिंद सिंह जी से कोई भी सलाह मशवरा या उनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो इसलिए गुरु जी ने उसके इस विश्वासघात पर उनको बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट जो था वो है गुरु जी तथा पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध मुगलों का अभियान, मुगल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द गुरु एंड हिल राजाज 1664 AD। पहला जो सबसे पहली अभियान था उसमें पहला अभियान था खानजादा रुस्तम खान का अभियान, जो कि 1694 ईस्वी में शुरू हुआ। खानजादा खान एक्सपेडिशन 1694 AD। दक्षिण में मुगल सम्राट और औरंगजेब को गोबिंद राय की बढ़ती हुई शक्ति का पता चला। उसने पंजाब के मुगल फौजदारों को हुक्म दिया कि वह गुरु साहब के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस हुक्म को वास्तविक रूप देने के लिए कांगड़ा प्रदेश के फौजदार दिलावर खान ने अपने पुत्र खानजादा रुस्तम खान के अधीन गुरु साहब के विरुद्ध सेना भेजी। उसने गुरु जी पर अचानक ही आक्रमण करने के लिए 1694 ईस्वी की सर्दियों की एक रात को अपनी सेना समेत सतलुज को पार किया। सिख पहले ही उससे दो हाथ तैयार करने को तैयार थे। उन्होंने दुश्मन पर अपने अभी कुछ गोले ही बरसाए थे कि खानजादा तथा उसके सैनिक भयभीत होकर भाग उठे। इस प्रकार गुरु साहब को बिना युद्ध किए ही मुगलों पर विजय प्राप्त हुई। औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी और सिखों की बढ़ती हुई शक्ति से बड़ा व्याकुल था। वो उनको उनकी शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि सिर्फ भारत में जो है वो मुसलमान लोग ही हों, मुसलमान धर्म को मानने वाले ही लोग हों और किसी धर्म को मानने वाले लोग ना हों। इसलिए वो सिखों के बहुत खिलाफ था। इसलिए उसने पंजाब के मुगल फौजदारों को हुक्म दिया कि भी वो गुरु जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसलिए कांगड़ा प्रदेश के फौजदार दिलावर खान ने अपने पुत्र खानजादा रुस्तम खां को गुरु साहब के अधीन जो था कार्रवाई करने के लिए भेजा। उन्होंने अचानक ही 1694 ईस्वी को सर्दियों की एक रात में सतलुज को पार किया और सिखों पर हमला कर दिया। पर सिख जो थे इस कार्रवाई के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अभी कुछ गोले ही बरसाए थे। इससे खानजादा तथा उसके सैनिक जो थे डर कर भाग गए और गुरु साहब बिना युद्ध किए ही मुगलों पर विजय प्राप्त कर ली। सेकंड है हुसैन खां का अभियान, जो कि 1696 ईस्वी में चला। हुसैन खान्स एक्सपेडिशन 1696 AD। खानजादा की हार के बाद दिलावर खान ने 1696 ईस्वी के आरंभ में अपने सबसे बहादुर सैनिक हुसैन खां को आनंदपुर साहब पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रास्ते में हुसैन खान ने गुलेर तथा जसवान के राजाओं से कर मांगा। उन्होंने कर देने में टाल मटोल की। उन्होंने हुसैन खान से युद्ध करने का फैसला कर लिया। भीमचंद तथा कृपाल चंद हुसैन खान से जा मिले। गुरुजी ने अपने कुछ सिखों को हुसैन खान के विरुद्ध भेजा। चाहे वह सारे के सारे ही शहीद हो गए, पर हुसैन खान की हार हुई तथा वह भी मारा गया। हुसैन खान की मृत्यु के बाद दिलावर खान ने जुझार सिंह तथा चंदेल राय के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, परंतु वह भी आनंदपुर साहब में पहुँचने से पहले ही राजा
राज सिंह से हार कर भाग गए। दूसरा जो अभियान चलाया वो हुसैन खान ने चलाया। हुसैन खान जो था, खानसादा की हार के बाद दिलावर खान ने जो था 1696 ईस्वी में अपने बहादुर सैनिक हुसैन खां को आनंदपुर साहब पर हमला करने के लिए भेजा। रास्ते में गुलेर तथा जसवान के राजाओं से हुसैन खां ने कर मांगा, टैक्स मांगा, पर उन्होंने टैक्स दिया नहीं, इसलिए हुसैन खां ने पहले उनसे दो दो हाथ करने का सोचा। भीमचंद जो कि बिलासपुर का राजा था तथा किरपाल चंद जो कांगड़ा का राजा था वो भी हुसैन खां के साथ जा मिले। उनका मुकाबला करने के लिए हालांकि गुरुजी के कुछ ही सिख गए थे पर उन्होंने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और हुसैन खां को हरा दिया। वो आप भी मारे गए और हुसैन खां भी मारा गया। हुसैन खां की मृत्यु के बाद दिलावर खां ने जुझार तथा चंदेल राय के नेतृत्व में सेना भेजी। वो भी जो थे वो राज सिंह से हार गए और भाग गए। नेक्स्ट जो है वो है शहजादा मुअज्जम की युद्ध संबंधी कार्रवाई, प्रिंस मुअज्जम्स कैंपेन। मुगल सम्राट औरंगजेब को दक्षिण में मुगलों की पराजय के समाचार मिल रहे थे। इस पर उसने शहजादा मुअज्जम को गुरु साहब तथा पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध भेजा। उसने लाहौर पहुंचकर मिर्जा क्वे के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध भेजी। वह पहाड़ी राजाओं को हार देने में सफल हो गया। मुगल सम्राट औरंगजेब जो था वो उसको पता चल रहा था कि भी जो है जो जिनको भी वो गुरु गोबिंद सिंह या पहाड़ी राजाओं के खिलाफ भेज रहा है वो उनसे जो है पराजित हो रहे हैं, इसलिए उसने लाहौर पहुंचकर मिर्जा बे के नेतृत्व में एक जो थी विशाल सेना भेजी, पहाड़ी राजाओं के भेजी के विरुद्ध भेजी, पर वह पहाड़ी राजा जो थे वो उनको हार देने में सफल हो गए। बेटा जी आपको ये ऑडियो अच्छी तरह सुनकर और ई बुक के पेजेस को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना भी है और याद भी करना है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में कितने कवि थे? इसके चार ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। दूसरा बहुविकल्पी है, मुगल सेना में से निकले कितने सैनिकों को गुरुजी ने अपनी सेना में भर्ती किया? इसके भी चार ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट है, बंगाणी का युद्ध कितने घंटे चला? इसके भी चार ऑप्शन हैं, आपको सही पर टिक करना है। पांवटा साहब को छोड़कर गुरुजी कहाँ चले गए? चार स्थानों के नाम दिए गए हैं, आपने सही स्थान पर टिक करना है। नेक्स्ट है, भीमचंद ने किसके साथ समझौता कर लिया? इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है। थैंक यू बेटा जी।